अरे देवर जी, पकौड़ा खा के बताइए ना कैसा बना है, है? अब नाना प्रकार का पकवान है ना, तो कंफ्यूज हो गए शुरुआत कहाँ से करें। अब आप कह रही हैं तो पकौड़ा से ही शुरुआत कर देते हैं, हैं? ये तो बहुत मतलब बहुत स्वादिष्ट है। मतलब ऐसा पकौड़ा तो हम कबो खावे नहीं किए ना। हाँ। अरे वाह, ये सब्जी तो बहुत टेस्टी है। ऐसे लगता है कि माँ ने खुद अपने हाथों से बनाई। सासू माँ ने ही तो बनाई है। बड़के भाऊजी ना एकदम में भोली है। अब का है ना कि फुगा तो खाली बताई थी कि कैसे बनाना है, बनाई तो ये अपने हाथे से है। हाँ खाना अच्छा था। दुलारी आराम से कहा है ना फुआ के अम्मा कि इतना ना अच्छा था कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे दुलारी मालपुआ खाओ, उसमें तो और स्वाद है। हाँ मालपुआ तो भाई बनता है, मीठा खाए बिना तो हम रह ही नहीं सकते ना। मतलब कड़वा पकौड़ा खाने के बाद ना मालपुआ का स्वाद जो है आत्मा तृप्त हो गया। पकौड़ा स्वादिष्ट है, मतलब मालपुआ तो खाली मीठा है ना। आज दोनों बहुरियों ने रसोई संभाला है, ये बहुत खुशी का बात है। बड़की बहुरिया ने खाना बनाने का कोशिश किया और बनाया भी, तो ये इनाम की हकदार है। ये लो, ई हमारा आशीर्वाद समझ के रख लो। आज के अगर स्वाद के हिसाब से देखे तो सृष्टि बहुरिया के खाने का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए असली इनाम की हकदार सृष्टि बहुरिया है। सिस्टी, ई लो, ई हमरा आशीर्वाद है तुमको, अन्नपूर्णा तुम्हारे हाथ में विराजमान रहे। आशीर्वाद के रूप में दे रही हैं, तो हम रख लेते हैं। नखरा तो देखो, जैसे महाराजा की बेटी है। माँ एक पकौड़ा दीजिए ना। अरे तुम ही खीर खाओ बेटा, पकौड़ा बाद में खा लेना है। दादी अम्मा, आज आप सब लोगों ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। हमारा मुकाबला एक ऐसी चीज के साथ रख दिए जो हमने कभी किया ही नहीं। हम तो फिर भी कोशिश किए हैं, लेकिन इनाम ले गई ये कानून की देवी। उसको आता है खाना बनाना, उसने बना लिया, हमें नहीं आता है। अब कराइए निशानेबाजी का मुकाबला, फिर देखते हैं कौन जीतता है। अरे रागिनी बहू, ये तो एक रस्म था और कुछ नहीं। लेकिन इनाम तो मुकाबले में ही मिलता है ना, और मुकाबले में एक का हारना बहुत जरूरी होता है, और हमें हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। बराबरी का मुकाबला कराइए, हम तो फिर भी कोशिश कर लिए, ये तो एक मटका नहीं फोड़ पाएगी गोली से, बता रहे हैं आपको। कराइए, कल ही कराइए आप मुकाबला। काकी पानी, ये पकौड़ा तो बहुत गंदा है, एकदम जहर जैसा, हम नहीं खाएंगे। माँ
आप कितना झूठ बोलती हो कि पकौड़ा अच्छा है, ये तो इतना भी खराब नहीं है जितना नाटक कर रहे हैं। गलती हमारा ही है कि हम सबकी बातों में आ गए और रसोई में खाना बनाने के लिए चले गए। हर रसम वसम हम नहीं मानते। अरे रागिनी बहू तो बच्चा है, कुछ भी बोलता है। हम कह रहे ना, हमने खाया है पकौड़ा, बहुत ही अच्छा है। ठीक है सासूमा, मान लिया कि ई बच्चा है। बाकी बड़ों का का, उन्होंने भी कुछ मीठा नहीं बोला? एक तो हाथ जला के मेहनत करो, ऊपर से किसी को कोई मोल ही नहीं। अरे 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? खा, कह रहे हैं कि पकौड़ा ना खाओ, खीर खा लो। चली गई ना वो, कुछ भी खाए पिए बगैर, तुम्हारे वजह से। माँ, इसमें विशु की क्या गलती है? उसे क्या पता कब क्या कहना है, क्या छुपाना है? वो जो महसूस करता है कह देता है, बच्चा है बेचारा। बच्चे हैं, लेकिन सारी जिंदगी बचपने से तो नहीं गुजारी जा सकती ना। आप सबको इन्हें समझाना चाहिए सही और गलत में फर्क क्या है, कब किसको क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, इनको इसकी समझ होनी चाहिए। हमारे ख्याल से जो आज इन्होंने किया है उसके लिए इन्हें रागिनी से माफी मांगनी चाहिए। ई बता रही है कि सही या गलत का है, जे अपनी जेठानी का नाम ले रही है। अब बीसु बाबू को सही या गलत बताने से पहले ई देख लो कि तुम क्या कह रही हो। और कुछ नहीं तो कम से कम दीदी कहो। हम तो अपने ससुराल में कभी किसी का नाम नहीं लिए थे। हाँ दुलारी दीदी, हम पर रिश्ते थोपने की कोशिश मत कीजिए। हम बीसु जैसे बच्चे नहीं है, हमारी उम्र और समझ दोनों उनसे ज्यादा है। किसको क्या कहना है और कैसे कहना है ये हमारे माँ पापा ने हमें अच्छी तरह से सिखाया है। ये देखो, इनको तो कुछ कह दो तो माँ बाप असंस्कार पर पहुंच जाती है। ऐसा हम क्या कह दिए हैं तुमको? तुम बीसु को सही या गलत के बारे में बता रही थी या हम तुमको बता दिए? अब हमको क्या मालूम था कि तुमको बुरा लग जाएगा? हमें कोई बुरा नहीं लगा है दुलारी दीदी। अब आप जैसे सवाल करेंगे हम वैसे ही जवाब देंगे ना। हमें लगता है कि आपको हमारा जवाब बुरा लगा। खैर, बहस करने से किसी को कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम आपके सामने ना आए। ना हम आपके सामने आएंगे, ना आपको जवाब मिलेगा और ना ही आपको बुरा लगेगा। चल दिया है? माँ, हम अनुराग भैया के कमरे में जा रहे हैं भाभी से माफी मांगने। कहा है ना कि हम उनका दिल दुखाए हैं ना, तो माफी मांग के आ रहे हैं। तुम इतना मेहनत करो, हाथ जला जला के इनके लिए खाना बनाओ और ऊपर से बेइज्जती भी करवाओ। हम फालतू में दुलारी दीदी की बातों में आ गए, गुस्सा आ रहा ना हमें। तुम यहां क्या करने आए हो? वहां उल्टी करके मन नहीं भरा का तुम्हारा जो यहां चले आए? या फिर वो कानून की देवी भेजी हमें हमें चिढ़ाने के लिए? भाभी, हम ना आपसे ना माफी मांगने आए हैं। वो कहा है ना कि हमको वो पकौड़ा इतना खराब नहीं लगना चाहिए था। हम जान गए हैं कि हमारे खराब बोलने से आपको बहुत दुख पहुंचा है, हमें ना माफ कर दीजिए। तुम हमसे माफी मांगने आए हो? अरे वाह, तुमको पता है आज तक सब लोग हमसे डर के माफी मांगे हैं, तुम पहले हो जो अपने मन से माफी मांगे हो। कौनो बात नहीं, हमको आपकी बात का बुरा नहीं लगा। ठीक है, सच्ची बात तो ये है कि वो पकौड़ा ना बहुत बकवास बना। वैसे आप हमारे प्यारे देवर जी हैं, हम आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? वो बात पता है का है? हम ना पहली बार रसोई में कुछ खाना बनाने के लिए गए और ये कोशिश ना सिर्फ सासू माँ को ही दिखी, सिर्फ उन्होंने तारीफ की और किसी ने नहीं की। और पता है खाना बनाते बनाते ना देखो हमारा हाथ भी जल गया और ये उंगली भी कट गया। देखो इस बात का दुख है हमें, पर फिर भी अगर आप हमसे माफी मांग रहे हैं ना तो कहा सुना माफ किया।
और हाँ, हम जो खाना बनाए हैं ना वो मत खाना, वो तुम्हारी कानून की देवी है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाई है, वही खाओ, जाओ। विशु कुछ भी कहता रहता है, बच्चा है, तुम तो बड़ी हो ना। और खाने का क्या है, कभी अच्छा बनता है कभी बुरा बनता है। नहीं नहीं, हमें हमने खाना अच्छा नहीं बनाया, हमें उस बात का बुरा नहीं लग रहा है। आपने खाना चखा भी नहीं, थोड़ा सा खा लेते, झूठा मूठा तारीफ ही कर देते, हमें अच्छा लगता ना। मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती है, जो सच होता है मैं वही कहता हूँ। और वैसे भी किसी की खुशी के लिए झूठ बोलना किसी धोखे से कम नहीं होता। और रागिनी, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। आप तो एकदम हमारे जैसे हैं। अरे हमारे मुंह से तो ना किसी का सच्चा तारीफ भी नहीं निकलता। हमारे तो जो मन में आता है हम बोल देते हैं, हम नहीं करते परवाह। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम किसी की परवाह नहीं करती हो। वहां नीचे थाल में ऐसा खाना छोड़ देने से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोग क्या सोचेंगे वो उनकी प्रॉब्लम है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम खाना नहीं खाए, आपको इसलिए तो नहीं बुरा लग रहा? अगर ऐसा बात है तो हम अभी ठीक से अच्छे से खाना खाकर आते हैं जी भर के। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, खाना खुद चल के आ गया है तुम्हारे पास। अनुराग बबुआ से बाद में बतिया ले। बड़की भौजी, कोई प्राइवेट बात हो रहा था? हाँ, हमारे मिस्टर ना हमारे घाव पे मरहम लगा रहे थे, बीच में सिस्टर आ गई। बाकी मरहम तो कहीं लगा नहीं है। लग गया मरहम दुलारी दीदी, लग गया। दादी जी के आशीर्वाद और उनके इनाम का भले ही हमारी नजर में कोई मोल ना हो, लेकिन ये संस्कार ही तो किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। ये रिश्तों का कैसा भंवर है जिसमें हम उलझते ही चले जा रहे हैं। इन सबको विश्वास है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और इनका ये विश्वास हमें परेशान करता है। हम क्या करें? आप हमसे नाराज मत रहिएगा, वो रागिनी से भाभी से है ना हम माफी मांग लिए, वो हमको माफ भी कर दी है। अच्छा किया, अब जाके अपने टेंट में सो जाइए। सृष्टि जी, आज आप बहुत अच्छा खाना बनाए थे, मजा आ गया खाके। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सृष्टि जी, हम देखे थे आप बिना खाना खाए चली आई थी, हम जाके आपके लिए खाना ले आए। हम कह रहे हैं ना, जाइए सो जाइए चुपचाप।
समझ नहीं आ रही आपको हमारी बात? भाभी, मम्मी से नया एसी नहीं चल रहा है तो मम्मी आपको बुला रही है। हम बताते हैं कैसे चलता है वो एसी। अब बड़के भौजी, खाना तो खा लो। दुलारी दीदी, आज हमारे नसीबे में ही खाना नहीं है। रात में खाना खाया नहीं और नाश्ते के लिए पेट में चूहे कूद रहे हैं। कानून की देवी से पहले प्रसाद लेकर ही रहेंगे। ये लो प्रसाद। हाँ दिव्या, ये लो प्रसाद। चलिए भाभी, नाश्ता कर लीजिए, काकी ने तैयार कर दिया। गए परदेस। बड़के भौजी, आज अकेले अकेले नाश्ता कर रही हो? अनुराग बबुआ को नहीं पूछेगा? तब तेरी की, हम तो भूल ही गए कि खुद नाश्ता करने से पहले अपने उनको नाश्ता पूछना पड़ता है। वो कहा है ना दुलारी दीदी, हमारे घर पे ना हमें सवेरे सवेरे अपने कमरे में नाश्ता करने का आदत है, इसलिए हम अभी जाकर अपने मिस्टर को नाश्ता देते हैं। अब दिल जीतना है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाय सुनो, नाश्ता वास्ता जल्दी से निपटा लो। हैं वो गांव के मुखियाएं गांव की औरतों के साथ मुंह दिखाई के लिए आने वाली दोनों बहू की? मुंह दिखाई का तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। हमारे बाबूजी कहते थे कि हमारे जैसे सुंदर ना चार गांव में कोई नहीं है, और इस बात पे हमें पूरा विश्वास है। लेकिन अगर फिर भी अगर गाँव की औरत हमारे में कमी निकालेगी ना। अरे कौन बताएगा कमी तुम में, तुम इतना अच्छी तो हो। हम अभी अपने मिस्टर को नाश्ता देकर आते। दिव्या, मुंह दिखाई के समय ढोलक कौन लेकर आ रहा है? हाँ मम्मी, मुखियाइन चाची कह रही थी कि वो ढोलक वाली को ना अपने साथ ही लेकर आई है। देखो कोनो कमी नहीं होना चाहिए मुंह दिखाई में। है विशु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो सो रहे हैं दादी। इलो, मतलब मर्द अभी तक सो रहा है, आप जो बीबी है वो थाली भर के खाना खा रही है। दुलारी दीदी, हमें भूख लगी थी इसलिए खा ली, जब उन्हें भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। सिस्टी बहुरिया, विश्व सवेरे उठ के हमरे आज का प्रसाद सबसे पहले खाता है, ये प्रसाद तुम उसको दे देना। हुँ? कहाँ चले गए? यहीं तो छोड़ के गए थे।
आज तो तुम बड़े सही समय पे एंट्री मारी हो रागिनी सिंह। मिस्टर एकदम हीरो दिख रहे हैं।